Welcome back students on the online platform of Cognito. Okay, so previously we are discussing the topic of goodwill और उसमें हम लोगों ने hidden goodwill निकालना सीखा था. ठीक है, hidden goodwill के बाद हम लोगों ने एक long question भी solve किया था जिसमें जो है hidden goodwill का long question solve किया था जिसमें हम लोगों ने calculation part भी किया था. आपको एक मैंने ओवरव्यू दे दिया था बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन का. तो अभी उसी सीक्वेंस में और क्वेश्चंस चलने थे लेकिन बच्चों की भारी मांग के आगे सर की बिना चली और मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करवाना पड़ रहा है. ठीक है, हमें एनपीएसआर निकालना आना है. हमें क्या निकालना आना है? एनपीएसआर निकालना आना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखिए, एनपीएसआर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें जो है कह दिया जाएगा इतना हिस्सा उसने इससे लिया, इतना हिस्सा उसने सरेंडर किया, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी. तो उस चीज उस बेसिस पर फिर आप कहोगे कि अभी तक सर ने जितने क्वेश्चन कराए थे वो सब उसमें सब में एनपीएसआर दिया था. तो अब हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, पहले आज हम आपको एनपीएसआर निकालना सिखाएंगे. जब आप एनपीएसआर निकालना सीख लेंगे उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे. तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये अब निकाला जा रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन. एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के वक्त जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है तो उसको हम लोग देखेंगे. हालांकि अभी तक आप लोगों ने इसको केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर इस तरह करके स्टडी किया होगा. हम यहां पर ना कोई केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर कुछ नहीं लगाएंगे. हम लोग केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर कुछ नहीं लगाएंगे. बस हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाए. इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स. ठीक है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स. तो आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. ए और बी पार्टनर्स हैं, ये क्वेश्चन है. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. उसके बाद कह रहा है सी एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट. सी का एडमिशन हुआ, सी एडमिटेड कितने से एडमिट हुआ? 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट से वो एडमिट हुआ. तो इसका मतलब क्या है? वो टोटल ओरिजिनली 1/4 ऑफ शेयर से आया है. वो टोटल कितने? 1/4 ऑफ शेयर से आया है. तो अगर किसी भी व्यक्ति का एडमिशन हुआ है और उसको मैंने 1/4 का हिस्सा दे दिया, कितना हिस्सा दे दिया? 1/4 का हिस्सा दे दिया. तो जो भी जिसने भी जो है परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8th में, तो 1/4 को अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो इंटू 100 कर देंगे. तो इसका मतलब ये है 4 2s 4 5s, मतलब उसको मैंने 25% की हिस्सेदारी दी. कितने की हिस्सेदारी दी? 25% की हिस्सेदारी दी. तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 100% माइनस 25% एंड दैट इज इक्वल टू 75%. ये 75% जो रिमेनिंग बचा ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बस सिंपल सा लॉजिक है. हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बस, और उसी बेसिस पर हमें पूरा सॉल्यूशन कर देना है. अच्छा, अगर परसेंटेज पढ़ा होगा तो फ्रैक्शंस भी पढ़े होंगे, है ना? और मैंने बताया था, मैंने क्या आप लोगों ने पढ़ा ही है मैथ्स में फ्रैक्शन वैल्यूज. कौन सी वैल्यूज? फ्रैक्शन वैल्यूज. फ्रैक्शन वैल्यूज में टोटल वैल्यू कितनी होती है? टोटल वैल्यू 1 होती है. ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी होती है? टोटल वैल्यू 1 होती है.
तो इसी वन को हम 100% से डिनोट करते हैं, इसी वन को हम किससे डिनोट करते हैं, 100% से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए केस स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देख लीजिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, काइंडली फोकस ऑन द सॉल्यूशन, और कुछ नहीं है इन सब में, इन सब क्वेश्चंस में और कुछ नहीं है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी एडमिटेड 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं लेट टोटल शेयर्स इज इक्वल्स टू वन, टोटल शेयर इज इक्वल्स टू वन, तो रिमेनिंग कितना निकल आएगा, रिमेनिंग कितना निकल आएगा, वन में से ये जो सी का पार्ट है, सी शेयर को माइनस कर देंगे तो क्या मेरे पास रिमेनिंग शेयर्स नहीं निकल आएंगे, क्या मेरे पास रिमेनिंग शेयर्स नहीं निकल आएंगे, मतलब रिमेनिंग हिस्सेदारी नहीं निकल आएगी। तो 1 - 1/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4, और इस 3/4 को अगर आप परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे तो देख लीजिएगा ये 75% ही निकलेगा, इनटू 100 करके देख लीजिएगा 75% ही निकलेगा। इस 3/4 को उठा करके ए और बी में डिवाइड कर दो। क्यों ए और बी में डिवाइड कर दो, क्योंकि सी 1/4 से आया, जब सी 1/4 से आया तो जो रिमेनिंग बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा वही तो ए और बी में बटेगा, जो रिमेनिंग बचेगा वही तो ए और बी में बटेगा। अगर वो 25% शेयर से आया है तो रिमेनिंग 75% किसका है, ये अगर सी का है तो ये रिमेनिंग 75% ए और बी का ही तो है। और ए और बी किस फॉर्म में दिए हैं, 5:3 के फॉर्म में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, 5:3 के फॉर्म में दिए हैं ना, तो रिमेनिंग ये 5:3 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू एज ओल्ड शेयर कितना है, 5/, इन दोनों का टोटल करो तो 8 होता है, इंटू 3/4। ये निकालेंगे तो जो भी हिस्सा निकलेगा वो ए का ही तो निकलेगा, जो भी हिस्सा निकलेगा वो ए का ही तो निकलेगा। और बीज न्यू शेयर क्या होगा, बीज न्यू शेयर क्या होगा, 3/8 का, अगर हम 3/4 निकालेंगे तो जो हिस्सा निकलेगा वही तो बी के शेयर का निकलेगा। तो निकाल दीजिए, 5 3 15, 8 4 32, 3 3 9, 8 4 32। अब देखिए सी कितने शेयर से आया है, सी कितने शेयर से आया, सी 1/4 शेयर से आया है। सीज न्यू शेयर क्या होगा, सीज न्यू शेयर क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। अब बात आती है क्या 15:9:1 लिखेंगे, नहीं, याद करिए जब भी आपको किसी भी चीज को सही तरह से लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, यही तो करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या लेते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हाँ एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 32 आएगा, 15:9, क्योंकि 32 1 से 32, फिर 32 से इसको डिवाइड किया तो 1 आया, 1 * 9 * 1 9 आया, और 4 8 * 32। तो न्यू, आप 32 को भूल जाइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एन पी एस आर कितना बच, कितना हुआ, 15:9:8 एंड दैट इज योर आंसर, 15:9:8 दैट इज योर आंसर। क्लियर है, तो चीजें परसेंटेज के फॉर्म में अगर हैं, अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में समझ में आ रही हैं तो इसमें भी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं कोई आपको केस स्टडी वगैरह नहीं करवाऊंगा कि यहां पे आपको केसेस बनवा करके दिखाऊंगा, ठीक है। और सीएसईपीटी के बच्चों को इतना लंबा जो है वो करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन,
उनको उनके लिए एक मैं अलग पार्ट बनाऊंगा किस तरीके से, सिंपली न्यू ओल्ड एडजस्टेड लिख करके और फिर उसको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए ये था एग्जाम्पल नंबर वन। अब एग्जाम्पल नंबर टू देखिए, एग्जाम्पल टू देखिए क्या कह रहा है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी एक कंपनी में पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2:1। उसके बाद क्या कह रहा है, दे एडमिटेड डी फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट। डी का एडमिशन हुआ, डी इज एडमिटेड, कितने से एडमिटेड हुआ, 10% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट से। कह रहा है एनपीएसआर कैलकुलेट करिए। क्या कह रहा है, एनपीएसआर कैलकुलेट करिए। तो देखिए सिंपल, 10% शेयर से आ रहा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 10/100 हो जाएगा। डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड, कितने से एडमिशन हुआ उसका, 1/10 शेयर से हुआ कि नहीं हुआ। टोटल कितना था, टोटल है 1, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, 1 में से 1/10 को माइनस कर दीजिए, दैट इज 9/10, यही तो रिमेनिंग होगा। और ये जो रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग है, ये किसमें, ये ए बी और सी में बट जाएगा। तो देख लीजिए ए बी सी का शेयर क्या निकलेगा, ए बी सी का क्या निकलेगा, ए इज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3 × 5 = 6 इंटू 9/10। बी इज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 2/6 × 9/10 और सी इज न्यू शेयर दैट इज इक्वल्स टू 1/6 × 9/10। 9 × 3 = 27, 6 × 10 = 60, 9 × 2 = 18, 60, 9/60 ये आ गया। और सी और डी इज न्यू शेयर कितना है, डी इज न्यू शेयर, डी तो आया ही है 1/10 से, तो डी इज न्यू शेयर कितना है, 1/10। अब देखिए सब कुछ 60 में है तो इसको भी 60 में करेंगे, तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या हो जाएगा, 27/60, 18/60, 9/60 इज टू 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा, 27:18:9:6, तो कितना आ गया, 27:18:9:6। देख लीजिए कॉमन पार्ट क्या है इसमें, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा। तो चलिए 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9 और 3 2 6, 9:6:3:2 इज योर आंसर। ये एबीसीडी का आपका नया रेशियो है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल थ्री देख लीजिए। एग्जाम्पल थ्री क्या कह रहा है, एग्जाम्पल थ्री क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अच्छा कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी क्या हैं, पार्टनर्स हैं, ए एंड बी क्या है, पार्टनर्स हैं। सी का एडमिशन हुआ 1/4 ऑफ शेयर से, सी का एडमिशन हुआ 1/4 ऑफ शेयर से, कितने से एडमिशन हुआ, 1/4 ऑफ शेयर से एडमिशन हुआ है, ठीक है, एडमिशन हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। और कह रहा है कि फ्यूचर में ए और बी का जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, जो फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। ये कह रहा है,
और फिर तुमसे कह रहा है कैलकुलेट एनपीएसआर। अब आपसे एनपीएसआर की कैलकुलेशन भी मांग ली है, तो पहली चीज तो ये देखिए, ए और बी का मुझे एनपीएसआर दे दिया, ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4। इसकी शॉर्ट ट्रिक जानते हैं क्या है, सीएसीपीटी देख लीजिए, ये जो ऊपर लिखा है, ये जो ऊपर लिखा है वन, इसको एज इट इज यहां पे लिख देना, ए इज टू बी इज टू सी, 2:1:1, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत आप एनपीएसआर ऐसे निकाल सकते हो। ये फ्यूचर प्रॉफिट दिया ही दिया है और ये इतने से एडमिट हुआ है, तो ये जो ऊपर का शेयर है इसी शेयर से तो ये आया है, इसी शेयर से तो ये आया है, और इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा, इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा, 2:1:1 इज योर आंसर। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमें आंसर तो पता चल जाता है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सी कितने से आया, सी आया 1/4 से, तो रिमेनिंग शेयर कितने हुए, रिमेनिंग शेयर कितने हुए, रिमेनिंग शेयर हुए 1 - 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3/4। ये रिमेनिंग शेयर हो गए, तो क्या कह रहा है, एज न्यू शेयर आपको दिया ही हुआ है, एज न्यू शेयर आपको दिया ही हुआ है, इस 3/4 को ये इसमें डिवाइड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ये 3/4 डिवाइड होकर के इसमें कन्वर्ट हुआ है, एज न्यू शेयर दैट इज इक्वल्स टू 3/4, 2/3 का 3/4, बीज न्यू शेयर दैट इज इक्वल्स टू 1/3 का 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 6/12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/12, 6/12 एंड 3/12। और सी का न्यू शेयर तो तुमको दिया ही है, सीज न्यू शेयर आपको दिया ही है, कितना दिया है 1/4, तो देख लीजिए ए इज टू बी इज टू सी कितना निकला, 6/12 is to 3/12 is to 1/4, 12 विल बी योर एलसीएम, 6:3:3 एंड दैट इज इक्वल टू 6:3:3 एंड दैट इज इक्वल टू, ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2:1:1। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी कि जब भी फ्यूचर का प्रॉफिट आपको दे दिया जाए तो जो भी जितने से भी जो भी आदमी एडमिट हुआ है उसको उठा करके एज इट इज लिख देंगे और आपका ये निकल आएगा, लेकिन ट्वेल्थ के बच्चों को ये करना पड़ेगा, ट्वेल्थ के बच्चों को इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिमेनिंग निकालना है और ये रिमेनिंग जो है इसमें बटा हुआ है, तो जब रिमेनिंग इसमें बटा हुआ है तो इससे जो है निकल आएगा, इससे निकल आएगा, इससे निकल आएगा आपका ओल्ड, ठीक है, इससे निकल आएगा, ये निकलेगा आपका ओल्ड। अब ओल्ड को फिर इसमें डिवाइड करोगे, सेम प्रोसेस होने वाला है, इसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला, सेम प्रोसेस होने वाला है। ये वाकई में अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ये निकला, इससे जो है मैंने निकाला है ओल्ड, ओल्ड के बाद फिर ये मल्टीप्लीकेशन का स्टेप होगा तब ये न्यू निकलेगा, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आप डायरेक्टली उठा करके ऐसे लिख देना और जो आपका न्यू होगा वही आपका ओल्ड रहा होगा, ये इसमें मान लिया जाता है, जो आपका न्यू रहा होगा वही आपका ओल्ड हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल 3 क्लियर, आइए एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2011 के कंपार्टमेंट में आ चुका है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4 ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये 2011 के सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4, ए और बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो मतलब लॉसेस भी इसी रेशियो में शेयर करेंगे। दे एडमिटेड सी फॉर 1/10 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन्होंने सी का एडमिशन किया, सी इज एडमिटेड, कितने से एडमिट हुआ है, 1
टेंथ ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने से एडमिट हुआ है? सी इज एडमिटेड ऑफ वन टेंथ ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट. उसके बाद क्या कह रहा है? विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ. इसने जो ये वन टेंथ शेयर एक्वायर किया है, इसने 1:1 में, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में, किसमें? इक्वल प्रोपोर्शन में इसने जो है इस शेयर को ए और बी से ले लिया है. तो अगर सी का शेयर देखें इन कंपैरिजन टू ए, तो सी, जो सी का शेयर है उसने हाफ ए से लिया है, वन टेंथ का हाफ ए से लिया है और वन टेंथ का हाफ बी से लिया है. कितना? वन टेंथ का हाफ ए से लिया है, वन टेंथ का हाफ बी से लिया है. तो वन टेंथ का हाफ करो तो मतलब 1/2, मतलब ये कितना हो गया? 1/20. इसने 1/20 ए से लिया है और 1/20 सिमिलरली बी से भी लिया है, ए एंड बी बोथ ले लिया. तो अब ए का एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ए का ओल्ड कितना है? ए का ओल्ड है 5/9, में से माइनस कर दीजिए 1/20, तो ये ए का न्यू शेयर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 5/9 में से उसने 1/20 निकाल लिया है. तो अगर निकाल लिया है तो ए जो है यहां से अपने शेयर में से निकालेगा ना, कहेगा कि भैया अगर तुमने निकाल लिया है लेकर के चले गए हो तो हम भी तो लेकर के जाएंगे, तो हम जब लेकर के जाएंगे तो हम तुमको निकाल देंगे अपने में से, तभी तो मेरा बचेगा. एंड योर एलसीएम विल बी 180. आपका एलसीएम होगा 180. 9 × 13 = 20, 25 = 100 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 91/180. ओके, बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 4/9 - 1/20. 1/20 उसने ए से भी लिया है, 1/20 उसने बी से भी लिया है, तो बी के उससे भी माइनस कर देंगे तो 180 एलसीएम आएगा. 20 × 2 = 4 = 8, 80 - 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 71/180. सीज न्यू शेयर क्या है? सीज न्यू शेयर क्या है? आइदर आप कह लीजिए 1/10 या कह लीजिए 1/20 + 1/20, इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो. आइदर यू कैन से सीज न्यू शेयर इज 1/10 क्योंकि एडमिट तो 1/10 से ही हुआ है ना, या कह लीजिए कि उसने ए से इतना लिया, टेकन फ्रॉम ए, टेकन फ्रॉम ए एंड टेकन फ्रॉम बी, बी से कितना लिया? 1/10 का हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 1/20. तो ये ए से लिया, ये बी से लिया, तो ये इसको और इसको उठा करके प्लस कर दो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो. तो ए इज टू बी इज टू सी, न्यू शेयर क्या निकलेगा? 91/180 = 71/180 = चलिए इन दोनों में से कौन सा लेंगे? कोई भी ले लीजिए. अगर इसको लेते हैं, इसको इधर लेकर के सॉल्व कर देते हैं, दैट इज 20 विल बी योर एलसीएम एंड 2 180 को 180 का एलसीएम लीजिए, ये आएगा 91:71:2. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और इधर करेंगे तो 9 × 18 हो जाएगा, दैट इज 91:71:18 इज योर आंसर. इधर ही देख लेते हैं, इसको 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/10 को 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 से नीचे मल्टीप्लाई, 18 से ऊपर मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं एलसीएम में, क्या कुछ करते हैं? तो देखिए इधर से भी 18/180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर से भी 18/180 आ रहा है, इधर से भी 18/180 आ रहा है. तो जिस तरीके से आपका मन करे उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के
ग्यारह कंपार्टमेंट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। सी इज एडमिटेड विद द 1/10 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही इक्वली टेक्स फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। उसने ए और बी से इक्वली लिया है। जब ए और बी से इक्वली लिया है तो इसका मतलब है कि 1/10 का आधा, 1/10 का आधा करोगे तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 उसने ए से ले लिया, तो जो ए से ले लिया उसको ए के शेयर में से माइनस कर देंगे, जो ए से ले लिया उसको ए के शेयर में से माइनस कर देंगे। और कह रहा है कि 1/20 उसने बी से भी लिया है, तो बी का शेयर है 4/9, इसमें से भी 1/20 माइनस कर देंगे, तो ये ए का न्यू शेयर निकल आएगा। इस तरीके से ए का न्यू शेयर निकल आएगा और इस तरीके से बी का न्यू शेयर निकल आएगा। फिर मैंने कहा कि सी का न्यू शेयर 1/10 से तो आया ही आया है, चाहे 1/10 ले लीजिए चाहे 1/20+20, चाहे इन दोनों को उठा करके प्लस कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ वी आर रेडी टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, एडमिशन के करीबन 16-17 एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, रिटायरमेंट और डेथ के भी, रिटायरमेंट और डेथ मिलाकर के दोनों 16-17 एग्जाम्पल करवाऊंगा, मतलब टोटल 32 क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 30-32 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाहर से आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप जो है रेगुलर सॉल्व करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेश एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 5? नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश इज टू नमित कितने में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 2:1 में। फिर क्या कह रहा है? दे एडमिटेड नरेश इनटू अ पार्टनरशिप ऑफ 25% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या हो गया? इन दोनों ने जो है निवेश को एडमिट किया। किसको एडमिट किया? निवेश को। इन दोनों ने किसको एडमिट किया? निवेश को एडमिट किया। कितने से? 25% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट से निवेश एडमिटेड कितने से एडमिट हुआ? 25% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निवेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये जो 25% ऑफ शेयर से आया है, इसने ओल्ड पार्टनर से कितना एक्वायर किया है? निमेश एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इस 25% को, इस 25% को उसने ओल्ड पार्टनर्स से, मतलब इनसे 3:2 के फॉर्म में किया है। As same as previous question, उसमें क्या था? उसमें यह था कि 1/10 इक्वली 1:1 में लिया था। यहां पर अगर 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 25/100, तो 1/4 इसने जो है क्या किया है? इसने जो है 1/4 को 3:2 के फॉर्म में एक्वायर किया है। किससे? नरेश से और नमित से। तो देखिए, एक्वायर्ड फ्रॉम नरेश। नरेश से कितना एक्वायर किया है भाई इसने? अपने हिस्से का 3:2, मतलब थर्ड हिस्सा, 3:2 मतलब थर्ड हिस्सा, 3/5 ये एक्वायर किया है उसने। किससे?
ये एक्वायर किया है उसने नरेश से, कह रहा है एक्वायर्ड फ्रॉम नमित, नमित से कितना एक्वायर किया है अपने 1/4 का 2/5, अपने 1/4 का 2/5 तो निकालिए 3/20 और 2/5/4 = 20 2/20। तो देखिए नरेश के न्यू शेयर क्या होंगे, नरेश न्यू शेयर क्या होगा, नरेश ने अपने हिस्से मतलब 2/3 में से 3/20 दे दिया कि नहीं दे दिया, तो कितना बचा, और नमित न्यू शेयर, नमित ने अपने 1/3 में से 2/20 दे दिया कि नहीं दे दिया, तो कितना बचा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 3/20 = 60, 22 = 40 - 3 60, 20 - 2 and that is equals to 40 - 3 means 37/60 and that is 18/60। okay, और नरेश के शेयर क्या निकलेंगे, इन दोनों को उठा करके जोड़ दीजिए, यही तो एक्वायर, सॉरी निवेश, निवेश 3/20 = 20 - 23 = 3/2 = 6 एंड दैट इज 14/60। तो अगर मैं बात करूं किसके, निवेश के शेयर की, देखिए निवेश का शेयर क्या निकलेगा, निवेश शेयर क्या निकलेगा, मैंने बताया या तो लिख दीजिए 1/4 और या तो लिख दीजिए 3/20 + 2/20, यही तो मैंने बोला, या तो 1/4 लिख दीजिए क्योंकि वो 1/4 शेयर से आया, या तो उसने इतना एक्वायर किया, उन दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों ही केसेस सही हैं, तो देख लीजिए दोनों ही केसेस में ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 3/6। अब इन सब का जो है एलसीएम ले लीजिए, नरेश नमित निमेश कितना है 31/60 = 14/60 = 6/20, 60 इज योर एलसीएम, 31 = 14 = 23 = 6 = 18, तो 31 = 14 = 18 इज योर आंसर, ये 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये होगा आपका 15, क्लियर, अगर 3 × 5 होता है ना 6 × 9 होता है, क्लियर, ये आ गया एग्जाम्पल 5, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एडमिशन के अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करिए और आप जो है इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करिए, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जस्ट गो थ्रू द बुक टीएस ग्रेवाल, इफ एनीबडी इज हैविंग अ डीके गोयल, तो इसी तरीके के एग्जाम्पल सॉल्व करिए अभी और आगे अगले तरीके के एग्जाम्पल्स सॉल्व करवा जाएंगे, ओके, थैंक यू।